दोस्तों वेलकम टू आवी एक्सप्लेनर। आज आप लोग क्रूड्स 2 अ न्यू एज मूवी को देखने जा रहे हैं। मूवी बेस्ट है इसलिए लास्ट तक देखना। मूवी की शुरुआत में ये बच्चा हमें बताता है कि मेरे माता पिता की मौत एक डामर के दलदल में फंसकर हुई। उन्होंने मुझे तो बाहर फेंक दिया लेकिन वो उसमें फंसकर मर गए, और मरने से पहले उन्होंने कहा कि सूरज की ओर बढ़ते रहो, वही हमारी मंजिल है और वही हमारा आने वाला कल है। तब से गाय का सफर जारी था कुछ सालों तक, लेकिन उसे एक लड़की मिलती है जो आदिमानव है। उसका एक परिवार भी है जिसका नाम है द क्रूड्स। ये अपने समय के सबसे खतरनाक आदिमानव थे। एक रात गाय और एप अपने आने वाले कल के बारे में बात करते हैं कि उनका एक परिवार होगा, बच्चे होंगे और इस परिवार से दूर होंगे। ये सारी बात ग्रग सुन लेता है जो इस लड़की का पिता है। ग्रग हमेशा से उन दोनों के बीच में आ जाता है, उन्हें वो अलग करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है वो अपनी बेटी को खो देगा। अगली सुबह ग्रग एक नए जगह की तलाश करता है जिसमें बड़े बड़े फल होते हैं। सारा परिवार पेट भर कर खाना खाते हैं। ग्रग एक केले को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके वजह से सभी एक जाल में फंस जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, और तभी उनके सामने दो लोग आते हैं। इनका नाम होप और फिल है। ये दोनों एक बैटमैन है, यानी कि हमारे और आपके जैसे बुद्धिमान लोग जो खेती करते हैं और पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं, और ये खतरनाक जानवरों से बचने के लिए काफी सुरक्षित है। ये दोनों गाय को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि गाय के माता पिता इनके अच्छे दोस्त थे, जो गाय बचपन में ही इनसे बिछड़ गया था। गाय को इसी जगह आना था, यही उसका आने वाला कल है। सभी खुश थे लेकिन ग्रग नहीं। इप को एक दोस्त मिल चुकी थी और गाय को उसका परिवार। रात के समय सभी अलग अलग सोते हैं। ग्रग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका परिवार यहाँ आने से उससे दूर हो गया। वो अपनी पत्नी से बात करता है और उसकी पत्नी कहती है सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह इप देखती है कि गाय बिल्कुल बदल गया है और अच्छे लोगों की तरह दिख रहा है। उसके भेष और रवैये से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि गाय बिल्कुल बदल गया है। तभी वहाँ डॉन आ जाती है जो होप और फिल की बेटी है। वो इप से कहती है कि मेरी माँ और मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी दीवार बनाई ताकि मैं यहाँ जिंदा रहूँ। लेकिन मैं उस दीवार के पार जाना चाहती हूँ, मुझे देखना है कि इस दीवार के पीछे क्या है, और मैं खुल के जीना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होप इप की माँ को कहती है कि अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, और गाय को घर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सुनकर इप की माँ उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉन को एक मधुमक्खी काट लेती है और उसका हाथ फूलने लगता है। फिल ग्रग को एक खुफिया गुफा में ले जाता है जिसे उस गुफा के बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिल ग्रग को बताता है तुम्हें गाय से छुटकारा पाना है और मुझे गाय की जरूरत है। वो तुम्हारी बेटी को छोड़ देगा और मेरी बेटी से शादी करके हमेशा के लिए वो हमारे पास रहेगा। ग्रग ये सुनकर बहुत खुश होता है और ग्रग फिल से हाथ मिला लेता है। वहीं होप की बात सुनकर एग्गा बहुत ही गुस्से में थी। तभी ग्रग आकर एग्गा से फिल की तारीफ करता है। एग्गा ग्रग को बताती है कि बैटमैन चाहते हैं कि हम लोग गाय के बिना ही यहाँ से चले जाएं, लेकिन हम गाय के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि गाय हमारे झुंड का एक हिस्सा है। वो लोग सोचते हैं कि हम गुफा में रहने वाले बेवकूफ लोग हैं। ये सब सुनकर ग्रग को भी समझ में आ जाता है कि ये सब गाय को हमसे दूर करने की चाल है। ग्रग बहुत ही गुस्से में था लेकिन एग्गा उसे शांत कर देती है और एग्गा कहती है कि हमें कुछ सोचना चाहिए और हमें गाय को लेकर भाग जाना चाहिए। और ग्रग मान जाता है और कहता है अब हमें केले खाने से कोई नहीं रोक सकता। इधर एप और डॉन चुपके से अपने घर की तरफ जा रहे थे लेकिन उन्हें गाय देख लेता है। वो जान जाता है कि ये दोनों दीवार के उस पार गए थे जहां इन्हें जाना माना था, और डॉन को एक मधुमक्खी ने दंत मार दिया था इसीलिए उसका हाथ अब गुब्बारा बन चुका था, और डॉन को नींद भी आने लगी थी। गाय इप को बुरा भला कहता है और ये भी कहता है कि तुम एक जंगली लड़की हो। ये बात सुनकर इप को बहुत ही बुरा लगता है और वो गाय से पूछने के लिए उसके पास जाती है जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। सभी लोगों के सामने इप गाय पर गुस्सा होती है और फिल और उसकी बीवी को पता चल जाता है कि इनकी बेटी इप के साथ दीवार के बाहर गई थी। वो इप को डांटते हैं लेकिन वो पहले से ही गुस्से में थी। ऐसे ही सभी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। इसी दौरान ग्रग फिल को बता देता है कि मैंने सारे केले खा लिए। फिल ये बात सुनकर बहुत रोने लगता है और एक बड़ी टोकरी के पास आता है। फिल बताता है कि ये सारे केले हमारे जीने की उम्मीद थे और तुमने सारे केले खा लिए, अब मैं उन्हें क्या दूंगा। तभी दीवार टूटने लगती है। वो देखते हैं कि इसके पीछे एक छोटा बंदर होता है, पर देखते ही देखते उनकी पूरी फौज आ जाती है और सारे बंदर इन्हें पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। वहाँ का सरदार एक बूढ़ा बंदर था और इनका बात करने का तरीका अलग होता है, लेकिन गाय को इनकी भाषा आती है और गाय इनसे बातें करता है तो वो इन्हें बताता है कि ये जगह पहले जंगल था जहाँ एक बड़ी नदी भी थी और हर जगह केले थे, लेकिन हर पूनम की रात को एक बड़ा मॉन्स्टर केले खाने आता है। इसके बाद पता नहीं क्यों नदी का सारा पानी सूख गया और केले भी खत्म हो गए, लेकिन मॉन्स्टर हर पूनम की रात को आता है। जब से उसे केले नहीं मिले तो वो बंदरों को ही खाने लगता है, और ये भी बताता है कि हमारी तादाद ऐसी ही बहुत कम हो चुकी है। फिल समझ जाता है और वो कहता है कि मैंने पहाड़ की ऊंचाइयों से सारे पानी को नीचे लाकर एक सूखी जगह को हरा भरा बना दिया। ये सुनते ही सारे बंदर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उनका सारा पानी रोक दिया था। इधर एग्गा और सारे लोगों को पता चल चुका था कि उन्हें पहाड़ की चोटियों पर मुक्केबाज बंदरों ने कैद किया है। रास्ते में उन्हें मकड़ी भेड़िए मिलते हैं। वो सब उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। ये सब अपनी मौत को सामने देखकर एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। तभी क्रूड्स फैमिली वहाँ आ जाती है। बंदर और इनके बीच में जंग होती है और इसी बीच मॉन्स्टर इन तीनों को खा जाता है, लेकिन उसे छींक आने से वो तीनों बाहर आ गिरते हैं और वो सब मौका देखकर इन तीनों को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ग्रग और फिल नीचे गिर जाते हैं और इप उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन अब वहाँ इप फंस जाती है। गायों से बचाने के लिए उसी गुफे में रुक जाता है। अब सभी लोग वहाँ से बाहर आ चुके थे और गाय इसी बीच इप को फिर से प्रपोज कर देता है। इप मान जाती है।
मॉन्स्टर इन्हें मारने की कई कोशिशें करता है लेकिन वो नाकाम होता है, क्योंकि क्रूड्स और बेटमैन्स फैमिली वहां आ जाती है। मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करता है लेकिन गाय और एप एक बड़े पत्थर पर आग लगाकर उसे मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब एक परिवार की तरह इसी जंगल में रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।